गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भीमसेन राजपूत, डाइट प्रवक्ता, एटा। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्थिर विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर विद्युत आवेश यानी कि रेस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। बरसात के दिनों में हमने देखा है कि जब बादल गरजते हैं तो बिजली की चमकने दिखाई देता है। बिजली चमकने का कारण है कि बादल आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने से वो बादल क्या होते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं, इससे बिजली दिखाई देती है। इसी तरह से हम देखते हैं जब कपड़े उतारते हैं तो कपड़े उतारते समय चट करने की आवाज, चटकने की आवाज सुनाई पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कपड़े हैं वो आवेशित हो चुके होते हैं, आवेशित हो चुके होते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। एटम परमाणुओं से मिलकर बना है और वो परमाणुओं में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाभिक के इनसाइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और जो न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। और जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एटम है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अब हम एक दूसरा मतलब जो मेटल लेते हैं और एक ये वाला मेटल, अब हम देखते हैं दोनों को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोदर बॉडी में, दूसरी बॉडी में चला जाता है। और दूसरी बॉडी में मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन चले गए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इलेक्ट्रॉन मूव करने पर जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो बॉडी ऋणात्मक चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बॉडी हमारी धनात्मक चार्ज होती है। इस तरह से जो हमारा रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन धनात्मक चार्ज होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज है। इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और ये अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e होता है, इलेक्ट्रॉन का डबल यानी 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होती है बॉडी। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर चार्ज करने का मेथड देखा कि हम जानते हैं कि कोई भी मेटल है, कोई भी पदार्थ है, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणुओं में क्या होता है, एटम होता है। और एटम में आप जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इसके अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ये अपनी जगह रेस्ट में रहता है, ये नहीं मूव कर सकता है। तो आवेशन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हमने मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन पढ़ा।
अब आगे पढ़ेंगे हम, रब करेंगे, जैसे हम एक ग्लास रॉड लेंगे, कांच की छड़ लेंगे और रेशम के कपड़े से अगर हम रगड़ते हैं एक्टिविटी में, तो रगड़ने पर क्या होता है, जो हमारी ग्लास रॉड होती है, वो ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है, मान लीजिए ये दिस इज ए रेशम, और रेशम रेशम से रेशम में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, तो रेशम जो है हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। रेशम रेशम कांच की छड़, अब हम कांच की छड़ और रेशम को आपस में रब किया, तो रब करने से हम देखते हैं कुछ समय बाद कि जो ग्लास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज और रेशम नेगेटिव चार्ज। ये कैसे पता लगेगा कि ये मान लीजिए आवेशित हो गई, ये अनावेशित हो गई? तो हम देखते हैं कि जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आयरन पीसेस या सॉरी अगर हम पेपर पीसेस यानी कागज के टुकड़ों को लाते हैं, तो वो रब आपस में क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लास रॉड के पास में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखा ये जो है ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और रेशम क्या है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि रब करने से भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन आप देखते हैं हमने कोई नई चीज नहीं की, आवेश आवेश कंजर्व रहता, आवेश संरचित रहता। आपने देखा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम या अधिक करके बॉडी को चार्ज किया, जब हम इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिकली फिर न्यूट्रल हो जाएगा, आवेशित रहित हो जाती है। ये बात भी हम समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं आवेशन करने के मेथड। आवेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन, जिसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कंडक्शन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट बॉडी, अगर बॉडी को हम किसी एनोदर बॉडी को के पास में कांटेक्ट नहीं करते, विदाउट कांटेक्ट करने पर उस बॉडी में चार्ज होने लगता है। तो वो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हम देखते हैं सुगर के प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने एक ग्लास रॉड ली थी और ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, पॉजिटिवली चार्ज। ये ग्लास रॉड कांच की छड़, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हम एनोदर बॉडी लाते हैं और ये कांटेक्ट में नहीं है, तो आप देखते हैं एनोदर बॉडी लाने से क्या होता है कि ये जो है निगेटिव हो जाता है। इस वाले जो फेस होता है एनोदर बॉडी का वो निगेटिव हो जाता है और इसके जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अदर फेस पे चले जाते हैं। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसको, कांच की छड़ को हम रिमूव कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा चार्ज, और सेटअप होने पर यहां पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक वायर के द्वारा हम ग्राउंड कर देते हैं, पृथ्वी से कांटेक्ट कर देते हैं, तो पृथ्वी को हम मदर बोलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज को भी ले सकती है, पॉजिटिव चार्ज को ले सकती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है या पृथ्वी से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है और इस पर केवल निगेटिव चार्ज बचता है। और जैसे ही हम छड़ को ग्लास रॉड को हम जैसे ही रिमूव करते हैं तो ये निगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो बॉडी है वो निगेटिव चार्ज हो गई, रड़ावेशित हो गई। ये रड़ावेशित हो जाता है, ये प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती। दूसरा अदर मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन मींस अगर हम बॉडी को, मान लीजिए हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और हम इसके कॉन्टेक्ट करके
इसमें ये मान लीजिए अभी जितना कोई भी एटम जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। जब ये हम ये जो बॉडी है जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही हम ये इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाता है ये बॉडी। बाकी तो जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो ये पॉजिटिव यहाँ से इसमें मूव कर जाते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो इस तरह से आवेशन करने के हमारे दो मेथड पता लगे हमें, कंडक्शन और दूसरा इंडक्शन। तो अब हम आगे अध्ययन करेंगे कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स ने देखिए हम जान चुके हैं चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की जहाँ अधिकता होती है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि दो प्रकार का आवेश होता है, टू टाइप्स ऑफ आवेश, नंबर फर्स्ट नेगेटिव चार्ज, नंबर सेकंड पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जाना। तो कूलाम्स ने स्टडी किया, उन्होंने कहा टू रेस्ट पॉइंट चार्ज, हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्थिर विद्युत आवेश के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा कूलाम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने पाया कि टू रेस्ट पॉइंट चार्ज लिए, पॉजिटिव भी पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव निगेटिव ले सकते हैं और निगेटिव पॉजिटिव भी। स्टार्ट दो स्थिर बिंदु आवेश लिए, टू पॉइंट चार्ज, इन पर आवेश Q1 कह दिया, इनको Q2 कह दिया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने देखा टू चार्ज हैं, इन पर एक फोर्स क्रिएट होगा। तो देखा हमने टू चार्ज लिए और इन पर जो फोर्स लगेगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे चाहे निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, दोनों को हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षित होती है बॉडी, और जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो आकर्षण होता है। हम जानते हैं सेम प्रकार के चार्ज में रिपल्सन होता है और अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो सेम चार्ज लाइक और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। तो इस तरह से कूलाम्स ने इन पर एक स्टडी किया, स्टडी करने पर इन्होंने देखा टू चार्ज हैं, अगर उनके बीच कोई सेपरेशन कह दिया, सेपरेशन आर है, तो उन्होंने फोर्स की स्टडी की। तो फोर्स देखा हमने, जो इन पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने देखा इन चार्जों का, दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट करने पर हमने देखा जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हमने देखा कि इनका जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस आर है तो उन्होंने देखा कि आर डिस्टेंस है तो क्या करे, कितना फोर्स क्रिएट होगा, और इसको 2R करके देखा तो कितना फोर्स क्रिएट होगा। तो हम उन्होंने देखा जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स लग रहा है आर डिस्टेंस पे इतना लग रहा है, और 2R करने पर उन्होंने देखा कि 1/4 टाइम्स डिक्रीज होता है। तो उन्होंने देखा कि एफ इज प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि ये इसके जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है इन दोनों चार्जों के बीच की, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने कूलाम्स ने एक लॉ बनाया, उन्होंने कहा कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाला आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण जब हो सकता है, जब अनलाइक चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो, और प्रतिकर्षण जब हो सकता है जब लाइक चार्ज हो, सजातीय एक ही तरीके के चार्ज हो। तो उन्होंने कहा लगने वाला जो बल है उनके दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो लॉ बताए और यहां से हमने इन दोनों नियमों को इस तरह से लिख लिया। तो कूलाम्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा
टू रेस्ट पॉइंट चार्ज। रेस्ट पॉइंट चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर बिगर चार्ज की स्टडी में ये लॉ वैलिड नहीं है। अगर हम बहुत बड़ा चार्ज ले लेते हैं, बहुत अधिक चार्ज लेते हैं, तो ये चार्ज, ये लॉ हमारा फेल हो जाता है, वैलिड नहीं रहता है। तो कूलम्स ने हमने देखा टू चार्ज के लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स अगर हमारे पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये फोर्स इन चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, मिलाने पर, मिलाने पर यहां से आ जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक साइन ले लेंगे, उसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, समानुपाती नियतांक एफ इक्वल टू लैम्डा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर लैम्डा को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट से, जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो एयर में किया गया, यहां पर कोई ना कोई मीडियम होगा जरूर, तो मीडियम की वजह से इसकी हमने लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4πε रखा। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन को बोलेंगे हम माध्यम की वैद्युतशीलता। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो पुट करने से हमारा फार्मूला बनेगा एफ इक्वल टू 1/4πε एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को हम फ्री स्पेस निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.86 × 10 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसको निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष अपॉन 4π एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो एप्सिलॉन आर वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में, निर्वात में इसकी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 1.00 होता है तो हम इसको 1 ले लेते हैं। तो यहां से 1/4π की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन की जगह पर हम एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे 1/4 3.14, और इसकी एप्सिलॉन आर की जगह 1 एप्सिलॉन नॉट 8.86 × 10 12, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 9, और ये वैल्यू हम उस फॉर्मूले में लगा देंगे एफ इक्वल टू 9 × 10 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इतने न्यूटन। ये जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे।
तो इसी के साथ हमने कूलम्स लॉ की स्टडी कर ली। अब हम चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसकी स्टडी के बाद देखते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर चुके। अब चार्ज के बारे में स्टडी, रेस्ट चार्ज के बारे में अब पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज है तो हम एक ग्रुप ऑफ चार्ज भी, चार्ज का बहुत सारे चार्जों का समूह ले सकते हैं या एक कोई सिंगल चार्ज ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, बहुत सारा चार्ज ले लिया और यहाँ पर चार्ज ले लिया तो चार्ज है यहाँ पर, तो इसके अराउंड फील्ड होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। इस फील्ड को हमें टेस्ट चाहिए, हमें क्या मालूम है इसके चारों और अराउंड फील्ड है कि नहीं है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज होता है। मतलब इसको हम जीरो के समथिंग लेते हैं, मतलब ये क्यू नॉट, पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज दिया, पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज रखते हैं। रखने पर हमने यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, चारों तरफ इसके देखा, तो ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स लगेगा इस पर, चाहे वो फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो हमने चारों तरफ जिस बॉडी के ये ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ अराउंड हमने इस टेस्ट चार्ज को रख के देखा, तो देखने पर हमने पाया कि इसमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है और ये फोर्स लग रहा है, तो हमें ये पता लगा विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट इस पर फोर्स लग रहा है, यही बात कूलम्स ने की थी। तो हमने देखा जरूर इसके चारों तरफ कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई फील्ड है जो इस चार्ज को ऐसा फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो हमने देखा किसी चार्ज के, ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ एक टेस्ट चार्ज रखने पर उसके तरफ क्या लगता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो एक फोर्स का अनुभव करे, एक बल का अनुभव करे, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमने देखा फोर्स लगेगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और हम ये ग्रुप ऑफ चार्ज लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं हम इसको जीरो के लगभग इक्वल लेते हैं, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत स्मॉल चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, क्योंकि ये जब इसको इधर को फोर्स लगा रहा है तो ये भी फोर्स लगाएगा, 100% फोर्स लगाएगा। आप जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन में कहा गया है फोर्स हमेशा टू बॉडी में लगता है, सिंगल बॉडी पे कभी फोर्स नहीं लगता। तो ये देखा हमने, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट क्यू टेंस टू जीरो, ये क्यू टेंस टू जीरो लेने का मतलब यो है कि ये जो हमारा Q0 है, जीरो तो नहीं लेकिन सब जीरो के, जीरो के मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, न्यूटन और आवेश का कूलाम होता है, तो ये न्यूटन कूलाम। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में स्टडी किया, अब हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड क्रिएट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। किसी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेंगे, ये क्यू है, और इस पे किसी डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर एक एनोदर चार्ज रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो हम कूलॉम्स लॉ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलॉम्स लॉ से हमें ये बात पता है। आगे हम जानते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये भी जानते हैं। तो यहां से ई एफ की वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया आर डिस्टेंस पर, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। थैंक यू।